भारत में शादी यानी एक नहीं कई जन्मों का संबंध। बदलते समय में इस पवित्र रिश्ते में कई बदलाव आ रहे हैं। लोग इस रिश्ते में भी प्रयोग करने लगे हैं और ये प्रयोग है सेक्स के लिए। ये बदलाव वाइप स्वैपिंग के तौर पर देखने को मिल रहा है। तहकीकात के दौरान जब हमारी मुलाकात एक डॉक्टर कपल से हुई तो हमने पाया कि लोग अपनी मैरिड सेक्सुअल लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए पत्नियों की अदला बदली भी करते हैं। सच बात तो यह है कि हम लोग 3 साल से मतलब यार अडॉप्टेड सच कहने की लाइफ पहले जैसे बड़े हेजिटेशन और बहुत इनिबिशन थे, इनिबिशन खत्म हो गए। बल्कि सच बात यह है कि आफ्टर कमिंग इनटू सच कहने का सेक्ट आई फाउंड इट इज वेरी नाइस, वेरी स्टिमुलेटिंग। और एक और बात बताऊँ, इस लाइन में आ जाओगे प्रधान भारतीय समाज में पति और पत्नी के रिश्ते बराबरी के नहीं है। तहकीकात के दौरान हमने इस बात को सही पाया। कई मामलों में इच्छा ना होने के बावजूद पत्नियों को पति की खुशी के लिए यह सब करना पड़ रहा है। महानगरों में वाइप स्वैपिंग ही नहीं धड़ल्ले से ग्रुप सेक्स पार्टी भी हो रही हैं। इस तरह की पार्टी में करीब 10 जोड़े और कुछ सिंगल लड़के भी शामिल होते हैं। इंटरनेट में इस तरह की कई साइट्स हैं जिनके दम पर ये सब आसानी से हो रहा है। इस तरह की सोच रखने वाले पहले तो एक दूसरे को ईमेल करते हैं और फिर भेजते हैं अपनी पत्नियों की अश्लील तस्वीरें। ये सिलसिला खत्म होता है वाइप स्वैपिंग और ग्रुप सेक्स पर जाकर।